लेस देन हाफ होगा या मोर देन हाफ। तो ये पूरा जो इंसीजन, दिस इंसीजन बेसिकली, ये इंसीजन जो है ये मिडरिप को टच नहीं करेगा, ये मिडरिप को इंसीजन टच नहीं करेगा, लेकिन इंसीजन रहेगा। इंसीजन हाफ होगा या हाफ से कम होगा या हाफ से ज्यादा होगा, बट इंसीजन नेवर टच द मिडरिप। दिस इज मिडरिप, मिडरिप ये भी क्या होगा, दिस इज कैटेगरी ऑफ सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में ये भी आएगा, इंसीजन जिसमें होगा उसको भी सिंपल लीफ ही बोलेंगे। उसके बाद कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में क्या होता है, कंपाउंड लीव्स उसमें क्या होगा, कंपाउंड लीव्स में इंसीजन तो होगा, इंसीजन होगा एंड इंसीजन टचेस द मिडरिप, मिडरिप पे इंसीजन टच कर जाएगा लाइक दिस। फिर से इंसीजन होगा एंड इंसीजन मिडरिप पे टच कर जाएगा, इंसीजन फिर से मिडरिप पे टच होगा। दीज स्ट्रक्चर, दीज यूनिट्स आर नोन एज लीफलेट्स। क्या बोलेंगे इसको, लीफ लेट्स, इसको लीफलेट्स बोलेंगे। इंसीजन टचेस द मिडरिप, दीज स्ट्रक्चर, दीज यूनिट्स आर नोन एज लीफलेट्स। उसके बाद कंपाउंड, कंपाउंड लीव्स कैटेगराइज इनटू द टू टाइप्स बेसिकली। कंपाउंड लीव्स कैटेगराइज इन टू टाइप, पिनेटली कंपाउंड लीव्स एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीव एंड पामेटली कंपाउंड लीव, पिनेटली कंपाउंड लीव एंड पामेटली कंपाउंड लीव में कंपाउंड लीव एंड कैटेगराइज होगा। इसमें क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स में, पिनेटली कंपाउंड लीव्स में जो है इसी तरह से होगा, उसमें जो है दिस इज नोन एज रैचिस। ये मिडरिप जो होगा यहाँ पे रैचिस बोलेंगे, और इसमें इस तरह से लीफलेट्स डेवलप होंगे। द लीफलेट्स, द लीफ इंसीजन, ड्यू टू इंसीजन द लीफ इज स्प्लिट इनटू द लीफलेट्स, दिस इज नोन एज लीफलेट्स, लीफलेट एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रैचिस। अब यहां पे क्या इसको बोलेंगे, रैचिस बोलेंगे। मिडरिप को क्या यहां बोलेंगे, रैचिस बोलेंगे। मिडरिप को यहां मिडरिप नहीं बोलेंगे, पिनेटली कंपाउंड में मिडरिप को मिडरिप नहीं बोलेंगे, यहां पे मिडरिप की जगह इसको रैचिस बोलेंगे। एंड द स्प्लिट, द स्प्लिटिंग ऑफ होल लीफ इनटू द डिफरेंट यूनिट्स नोन एज लीफलेट्स, लीफलेट्स बोलेंगे। पामेटली कंपाउंड लीव्स में क्या है, पामेटली कंपाउंड लीव में दिस इज टिप ऑफ पेटियोल, दिस इज टिप ऑफ पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल से डिफरेंट डायरेक्शंस में मिडरिप जा रही है उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंसीजन हो जाएगा लाइक दिस। इस तरह से इंसीजन सा टेक्स प्लेस, इंसीजन सा टेक्स प्लेस इन पामेटली कंपाउंड लीव्स। And this is when multicostate divergent leaf, so incision, divergent leaves shows इंसीजन। मल्टीकोस्टेड डाइवर्जन लीव्स सो इंसीजन, यहां पे क्या है, मल्टीकोस्टेड में इंसीजन नहीं होता था, मल्टीकोस्टेड यहीं से जो है रुक जाता था, लेकिन यहां पे क्या, पूरी तरह से इंसीजन हो जा रहा है। एंड द डिफरेंट दीज स्ट्रक्चर यूनिट्स आर नोन एज लीफलेट्स, इसको भी, इसको क्या बोलेंगे, लीफलेट्स, इसको बोलेंगे लीफलेट्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लीफलेट्स।
आगे इलाबोरेटेड थोड़ा सा। तो सिंपल लिप्स एंड कंपाउंड लिप्स, सिंपल लिप्स व्हेन इंसिजन इज नॉट टचिंग द मिड रिब एंड दिस इज नोन एज इंसिजन। सिंपल लिप्स यहां पे लिख लीजिए, इंसिजन इज नॉट टचिंग द मिड रिब। इसके बाद जो है कंपाउंड लिप्स, कंपाउंड लिप्स इज कैटेगराइज इनटू पिनेटली कंपाउंड लिप्स एंड पामेटली कंपाउंड लिप्स। पिनेटली कंपाउंड लिप्स में क्या होता है, लीफ जो होता है द स्प्लिट इनटू द लीफलेट लाइक यूनिट लाइक स्ट्रक्चर एंड द मिड रिब इज नोन एज रैचिस। एंड हियर पामेटली कंपाउंड लिप्स में क्या होता है, यहाँ पामेटली कंपाउंड लिप में जो टिप ऑफ पेटियोल है वहां से डिफरेंट डायरेक्शन में मिड रिब राइज होंगे एंड देयर इज इंसिजन, कंप्लीट इंसिजन इन द मल्टी कोस्टेड डाइवर्जेंट लीव्स में, देन इट इज नोन एज पामेटली कंपाउंड लीव। एंड देन इसके बाद जो है पिनेटली और पामेटली को अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है। Innately compound leaves. Innately compound leaves. Pinnately compound leaves में पहला आता है unipinnate. First one is unipinnate. First one is unipinnate. Unipinnate में दो होता है, peripinnate and imperipinnate. Unipinnate is categorized into the peripinnate and imperipinnate. Peripinnate and imperipinnate. When the leaflets are uneven like this, जितना लीफलेट इधर होगा उतना इधर होगा, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, इतना इधर इधर इधर, इतना इधर इतना इधर, इवन लीफलेट्स अगर है देन इट इज नोन एज पेरिपिनेट। अगर इम्पेरिपिनेट मतलब ऑड होगा, एक जो है ऑड होगा लाइक दिस, दिस इज ऑड लीफलेट्स, ऑड leaf lips and this is a odd, odd leaflet is known as, जैसे इसमें कितना सात हो गया, इसमें जो आठ है, आठ leaflets है इसमें सात है, here is a eight leaflets and here is seven, seven is odd, eight is even, तो odd होगा then it is known as peripinnate, unipinnate, neatly compound leaf. Imperipinnate, unipinnate, pinnately compound leaves. इसका एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है टैमरिंडस, टैमरिंडस इमली इसको बोलते हैं, टैमरिंडस इमली एंड दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल इन योर अराउंड द हाउस is a neem, neem azadi recta indica, neem imperipinnate ka example hai, neem imperipinnate ka example hai, neem so odd leaflets hota hai isme. Second is the bipinnate, second is the bipinnate, second is the bipinnate
बाइपिनेट कंपाउंड लीव्स द लीफलेट स्प्लिट इनटू द सेकंड लेवल लाइक दिस. दिस इज अ रैचिस एंड दीज आर द लीफलेट्स. दिस इज अ रैचिस. क्या बोलेंगे इसको? रैचिस बोलेंगे. इसको रैचिस बोलेंगे. और दीज आर द लीफलेट्स. लीफलेट्स अब यहां पे जो है, ये लीफलेट जो है अपने आप में फिर से स्प्लिट हो जाएगा सेकंड लेवल पे. तो क्या बनाएगा? दीज आर द स्मॉलर स्ट्रक्चर्स. दीज आर द नोन एज पिन्यूल्स. क्या बोलेंगे इसको? पिन्यूल्स बोलेंगे. एंड दिस इज स्ट्रक्चर इज नोन एज हियर रैचिला. रैचिला एकेसिया एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल इज एकेसिया. एकेसिया मिमोजा. एकेसिया मिमोजा. मिमोजा टू एग्जाम्पल. इसके बाद बाइपिनेट का ट्राइपिनेट. ट्राइपिनेट पिनेटली कंपाउंड लीव्स. बाइपिनेट हो गया. अब इसके बाद ट्राइपिनेट. ट्राइपिनेट थर्ड वन इज अ ट्राइपिनेट. ट्राइपिनेट ट्राइपिनेट में उसी तरह से है. दीज आर द लीफलेट्स. This is a rachis. Rachis. This is a rachilla. Pinnules. तो pinnules बोलेंगे पिछले वाले bipinnate में ही. And फिर यहां से second level पे जो है these are the known as pinnu. Pinnu. Lules. Pinnulules. Pinnulules. These are the known as लीफलेट्स बोलेंगे इसको. लीफलेट्स तीन लेवल का होगा. एक सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल. फर्स्ट लेवल पे स्प्लिटिंग हुआ तो लीफलेट्स बना. सेकंड लेवल पे हुआ तो पिन्यूल्स बना. एंड थर्ड लेवल पर पिन्यूल्स बना. द एग्जाम्पल ऑफ मोरिंगा एंड ड्रमस्टिक. एग्जाम्पल इज मोरिंगा. ड्रमस्टिक. मोरिंगा एंड ड्रमस्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइपिनेटली. ट्राइपिनेट पिनेटली कंपाउंड लीफ. उसके बाद फोर्थ है डिकम्पाउंड लीफ. फोर्थ वन इज अ डिकम्पाउंड लीफ. Decompound leaves. Incision is more than three times. In this incision, incision is more than three times. Examples kya hai iska? Decompound leaves. When incision is more than three times, then it is known as decompound. Carrot and coriander. Carrot and coriander. Dhaniya. Carrot, gajar. Ye gajar hoga. And this is the
धनिया, कोरिएंडर इज धनिया। इसके बाद पामेटली कंपाउंड लीव्स, कंपाउंड लीव्स, पर्मेटली कंपाउंड लीव्स, उसमें पहला आता है यूनिफोलिएट, इसमें जो विंग पेटियोल होता है, द पेटियोल विंग लाइक स्ट्रक्चर, यूनिफोलिएट का एग्जाम्पल है साइट्रस नींबू में। विंग पेटियो, विंग लाइक स्ट्रक्चर, एक ही लीफलेट रहेगा, वन लीफलेट इज यूनिफोलिएट एंड द विंग लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड इज बाइफोलिएट, bifoliate, in this case the leaves are, leaflets are from the tip of the petiole, the two leaflets arises, these are the two leaflets from the pit of leaf of petiole, these are the leaflets, example hai bignonia, Bignonia hardwickia, Bignonia and hardwickia, trifoliates, the tip of petiole, in this three different leaflets arises from the tip of petiole, three different leaflets, examples ka examples hai oxalis tip of petiole, so teen leaflets honge and these are the, this is known as trifoliate oxalis, and the examples, another example is trigonella. Fourth, quadrifoliate, quadrifoliates, yahan se jo hai टिप ऑफ पेटियोल से चार निकलेगा, द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वाड्रीफोलिएट, फोर लीफलेट्स इसमें होंगी, क्वाड्रीफोलिएट बोलेंगे इसमें जो है पेरिस एंड क्वाड्रीफोलिया, पेरिस एग्जाम्पल है इसका और दूसरा एग्जाम्पल है क्वाड्रीफोलिया इसी के नाम पे, पेटियोल
पेटियोल है, पेटियोल की टिप से चार लीफलेट्स निकलेंगे, क्वाड्रिफोलिएट बोलेंगे। एग्जाम्पल है पेरिस एंड क्वाड्रिफोलिया। मल्टीफोलिएट मल्टीफोलिएट्स द लीफलेट्स आर इन ऑल डायरेक्शंस। दिस इज अ टिप। All directions में होगा। This example is the examples are the bombax। क्या होगा bombax? Bombax examples। तो this is these are the palmately compound leaves के different categories में divide किया गया है। Unifoliate, bifoliate, trifoliate, quadrifoliate and multifoliates। तो ये सब जो कैटेगराइजेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द लीफलेट्स, टिप ऑफ द पेटियोल से कितने लीफलेट्स बन रहे हैं उनके आधार पे, उनके बेसिस पे ये पामेटली कंपाउंड लीव्स को कैटेगराइज किया गया है। नाउ इसके बाद ये हो गया लीव का जो है वेनेशन हो गया, इंसीजन हो गया। नाउ द थर्ड टॉपिक इज द फिलोटैक्सी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।